त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए शेष कार्मिकों को प्रशिक्षण मंगलवार को प्रेक्षा गृह के सभागार में दिया गया, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि जनपद गोरखपुर में 4700 बूथों पर मतदान होना है। मतदान को संपन्न कराने के लिए कार्मिकों की आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण 6 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चला, लेकिन कुछ कार्मिक किन्हीं कारणों से उसके बीच प्रशिक्षण नहीं ले पाए थे, जिनको मंगलवार को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्मिक 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे अपने ब्लॉक पर पहुंचकर मतदान पेटी के साथ अपने बूथ पर रवाना हो जाएंगे और 15 को मतदान संपन्न कराने के बाद मतदान पेटी को लेकर स्ट्रांग रूम में जमा कर अपने कार्य से मुक्त हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, अभिषेक कुमार सिंह छोटकर प्रसाद मुन्ना यादव रामकृष्ण शुक्ल मोबाइल नंबर है 9450 धनंजय सिंह विनय कांत शर्मा जिनको ड्यूटी रिसीव हो गई है वो निकल मैं मनोज कुमार गुप्ता सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग से प्रशिक्षक की भूमिका में यहाँ पे उपस्थित हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 जनपद गोरखपुर के लिए जो भी डेट निर्धारित है 15 तारीख को जो मतदान होना है, उसके लिए जितने मतदान कार्मिक ड्यूटी में लगाए जा रहे हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लगातार 6 अप्रैल से लेकर के अभी तक चल रहा है, आज अंतिम दिन है। अब जो शेष कार्मिक बच गए हैं जिनका प्रशिक्षण नहीं हो पाया है उनका प्रशिक्षण, उन्हें भी आज प्रशिक्षित करके प्रशिक्षण सत्र समाप्त हो जाएगा। सारे कार्मिकों को उनको रवानगी के दिन से अपने बूथ के लिए कैसे मतदान सामग्री कलेक्ट करना है उनका निरीक्षण परीक्षण करना है, उसके उपरांत उनको संबंधित वाहन में सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठा करके संबंधित निर्धारित रूट से लेकर के जाएंगे उनके बूथ तक, और वहां बूथ पर पहुंचने के बाद उनको क्या क्या निर्वाचन के दिन कैसे किन किन प्रक्रियाओं का पालन करना है उनको विधिवत और विस्तारपूर्वक समझाया बताया जा रहा है। मतपेटियों को खोलने बंद करने और उसमें वोट डलवाने तक की स्थिति को समझाया गया है। तो ये सारी प्रक्रिया जितना 15 तारीख देर शाम तक वापस आने पर क्या करना होगा इस सब के बारे में विस्तृत रूप से को ट्रेनिंग प्रशिक्षण का काम दिया जा रहा है।